तुम पहली बॉल पे ऐसा शॉट मारना कि सीधा शौचालय के अंदर ही जाए। बिल्ली अंदर। अरे ओहो, अरे तुम हमारा पीछा करते करते कहाँ आ गए यहाँ पे? अरे मुखिया जी, सारे प्लान का टोपा हो गया। गांव वाले हमारे पीछे पड़े हमें मुखिया जी समझ कर। अरे अरे आया तो हमको भी कुछ बहुत जोर से है कि हमारी जो काजल है और खलिया वो सरकारी अफसर बनकर ये गांव वालों को डराने आने वाले हैं फुर्सत निकाल के। हाँ मुखिया जी, इस शरबत में हमने जमाल गोटा मिलाया है सट से। ए जी, क्या ये क्या हाल बना रखा है? कुछ लेते क्यों नहीं? अरे लिया ना, अभी झबरी से वो चूरन लिया था, उसी की वजह से तो हमारी हालत खस्ती और पतली हो गई है। शेर शासन कीजिए, आराम मिलेगा। चमड़ा आ, 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 मुखिया जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप इस गांव के लिए इतना त्याग कर रहे हैं मटक मटक के, तो इसीलिए ये शरबत पीजिए गटक गटक के। ये शरबत किस खुशी में है? वो आज हमारी बकरी का हैप्पी टू यू है बर्थडे। हैप्पी बर्थडे बकरी। मतलब हमारी तरफ से बकरी को बोलिएगा। हाँ बोल देंगे। अच्छा नहीं, ये वाला लीजिए, ये वाला, ये स्पेशल है। अरे अरे ये स्पेशल है तो हम लेंगे। नहीं, नहीं, हम लेंगे। चुप। सब गिलास एक जैसे हैं भाई, कोई सा भी ले लो हिला हिला के। लेकिन ये कुत्ते की तरह लड़की हो चिल्ला चिल्ला के। नहीं चाचा, आप कुत्ते को खुद ही याद कर रहे हो। अगर भौंका तो हम पर मत भौंकना। हमारा मतलब है बोलना। थप्पड़ तो फिर भी खाओगे तुम। Okay, आप लीजिए। हाँ ठीक। अरे 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 वाह भाई वाह। और ये दो हमारे। दो गाय लिए आपने? अरे भाई, एक हमारे लिए, एक हमारी चमेली के लिए। और ये चमेली है ना, क्रिकेट मैच में कितनी अच्छी फील्डिंग की। हाँ? जब वो इसको पिएगी ना तो उसको शक्ति मिल जाएगी। अरे टोपा किया है हमें तो पूरे क्रिकेट मैच में, कहीं वो दिखाई नहीं दी। हा? अच्छा बेटा, हम तुमको समझाते हैं। चलो अपने गिलास लो, लो गिलास लो। अरे समझाना है, फील्डिंग तैयार करनी है। ला जा गिलास। वापस दे दोगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल। अरे मुखिया जी का ग्लास काहे ले लिए? अरे रुको, बता रहा हूँ, फील्डिंग जमाने के लिए भाई। कमाल बात कर रहे हो। देखो ये दो स्टंप। हाँ। ये बॉलर, एक फील्डर यहाँ खड़ा, एक फील्डर यहाँ खड़ा, एक फील्डर यहाँ खड़ा, एक फील्डर यहाँ खड़ा। फील्डिंग तैयार हो गई। हाँ। ठीक है, यहाँ हम है, ये हमारी चमेली। अब देखो गेम शुरू हुआ। देखो ये बॉलर ने बॉलिंग किया, अब बैट्समैन ने मारा, बैट्समैन इधर आया, गेंद इधर गई, हमने इसको पकड़ा। और फिर बॉलर ने फिर मारा, बैट्समैन फिर भक्के इधर आया, इधर देखो बॉल इधर गई, चमेली इधर गई। ये देखो चमेली ने बाउंड्री के पास चौका रोक लिया। अच्छा तो ये वाला जो चौका था वो चमेली मामी ने रोका था। हाँ तो हम क्या वहां गाजर छील रहे थे? हाँ आप समझे? समझ गए। अब इसी चौके की वजह से हम मैच हार गए थे ससुरा। अब अपने अपने गिलास उठाओ और पियो। आह बहुत बढ़िया। मजा आ गया। बहुत बढ़िया बना हुआ है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे धनीराम तुम भी तो पियो। अरे हम तो पीते रहते हैं, आप पीजिए। अरे आज अरे लो लो, अरे बहुत अच्छा बना है, ऐसा नहीं है। पानी तो पी सकते हैं। Hmm.
अरे मेरी टांग टूट गई रे, ईश्वर का पाप लगेगा तुझको। अरे दुष्ट ने पंडित को घायल कर दिया। अरे हमको कोई उठाओ रे बच्चा। अरे क्या हुआ का पंडित जी? अरे हमको जोर से लगी हमारी। अरे पंडित जी को बहुत जोर से लगी, इनको फौरन अस्पताल लेकर जाना होगा। हाँ तो पंडित जी को उठाओ झट से और अस्पताल पहुंचा दो फट से। अरे अस्पताल अस्पताल बाद में हमको जोर से लगी है। अरे भाई पंडित जी को बहुत जोर से लगी है, इनको फौरन अस्पताल लेकर जाना होगा। अरे अस्पताल वाली नहीं लगी मुखिया जी, खेत वाली लग रही है बहुत जोर से। अच्छा अच्छा तो आपको हल्का होना है। हल्का होना है, तकलीफ हो रही है, हमारी टांग टूट गई, अब हम खेत में कैसे जाएंगे। देखिए पंडित जी, अगर आपको ठीक लगे तो आपके कहने पे हम फटाफट आपको नए शौचालय में पहुंचा देते हैं, वहां पर आप आराम से हल्के हो लीजिएगा। नहीं मुखिया जी नहीं, हम वहां नहीं जाएंगे, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अरे पंडित जी अगर आप जल्दी से नहीं गए ना तो आपका कपड़ा भ्रष्ट हो जाएगा और मैं तो कहूंगा अस्त व्यस्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। सही कह रहे भैया। हाँ अरे चमेली भी तो यही कह रही है। कहाँ है मामी? तू क्यों? अरे देखिए आपको जाना तो जाइए वरना हम जाएं। हैं आप जाएंगे? मतलब हम तो हड़ताल पे जाएंगे ना। हाँ। वहां जाकर बैठ जाएंगे। आप नहीं, हमको क्या हुआ है? अच्छा तो ठीक है मुखिया जी, ले चलिए हमसे बड़ा होगा। चलो चलो उठाओ उठाओ उठाओ, जल्दी से ले चलो। जल्दी ले चलो, जोर से लगी है मुखिया जी। अरे अरे चलो चलो हटो सामने से हटो, पंडित जी को बहुत जोर से लगी है। अयो दादा काहे चीज से लग गई? अरे स्कूटर से। अरे स्कूटर को 15 मिनट के लिए भूल जाओ और पहले से जो लगी हुई है उसका ख्याल करो। अरे हमको वो शौचालय में पहुंचाओ, जल्दी चाहे चलो 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 हटो वहां से। ए काजल हटो। अरे बापू मीनाक्षी चलो साइड में जा, चलो फट ना फट। जाना हमको था, भेज इनको दिया हमने। काफी भरे हुए लगते हैं। आ गए पंडित जी। आज ये जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ, पर ऐसा सब कुछ होने से आज हमारी आंखें खुल गई और तुम लोग भी अपनी अपनी आंखें खोल लो। धर्म अपनी जगह जरूरी है और शौचालय अपनी जगह जरूरी है। ये बात हमको तो समझ में आ गई, पर ये बात तुम सब लोग भी समझ लो। और मुखिया जी जी, मैं आपसे नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार से बोल करके ऐसे शौचालय गांव में और बनवा दें जिससे जन कल्याण होगा। और नहीं तो का, आप लोग कभी सोचे हैं कि औरतों के लिए शौचालय कितना जरूरी है? अरे हमको तो अम्मा जी बहुत आश्चर्य हो रहा था कि अब तक गांव में शौचालय काहे नहीं बना। हम ये कहते हैं कि औरत हो या मर्द सबको शौचालय का इस्तेमाल करना चाहिए फुर्सत निकाल के। हाँ और एक बात और समझ लीजिए आप सब लोग कि लक्ष्मी जी इस बात से नाराज नहीं होती कि घर में शौचालय है। लक्ष्मी माता नाराज तब होती हैं जब हम चारों तरफ पूरे गांव में गंदगी फैलाते हैं।
जिसकी वजह से सारी बीमारियां पैदा होती हैं और बड़े से बड़ा गांव धीरे धीरे कंगाल हो जाता है और सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। अरे गड़बड़ तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन हमारे पेट में गुड़बुड़ हो रहा है, हमें डिस्को करने जाना है। डिस्को अगर कोई जाएगा तो सबसे पहले हम जाएंगे। अरे सबसे पुराना केस हमारा है। कितना पुराना है? 5 दिन पुराना। अरे पहले 3 दिन घर पे नहीं और बाद में ये तुम यहाँ भी तो बैठे थे। नहीं, अब डिस्को करने हम जाएंगे। इमरजेंसी क्या है? हमको तो अब आनंद मिला है। आया दादा। अब ठीक है। अरे ये तो प्रेम पत्र है, हमारा पहला प्रेम पत्र। हाय राम, 20 साल पहले आग लगी थी, धुआं अभी निकल रहा है। हम तो पूछते हैं आग लगी ही काहे को थी। अरे वाह, तब क्या कमाल के प्रेम पत्र लिखा करते थे हम आपको। कमाल के प्रेम पत्र? अरे जो ट्रक के पीछे लिखा होता था ना, वो हमको चिपका के दे दिया करती थी प्रेम पत्र में। ये देखो क्या लिखा करती थी, सुनो। जगह मिलने पर पास देंगे, लटक ले तो गेले बेटा, दम है तो क्रॉस कर, नहीं तो बर्दाश्त कर, अपनी चलती है तो दुनिया क्यों जलती है, तुम्हारी झबरी बता। ऐसा कोई लव लेटर लिखता है क्या? आप शब्दों पर चले गए थे ना, इसलिए आप कहीं और चले गए। अगर भाव पे जाते तो आज हमारी चोटी पर उलंदा बनकर लटक रहे होते। अगर हम तुम्हारे शब्दों के भाव पर जाते ना, तो अब तक ट्रक ड्राइवर बन के कहीं निकल लिए होते। देखो अब बेकार की बात छोड़, नहीं, ये प्रेम पत्र अब आपको वापस नहीं मिलेगा, अब ये हमारे पास ही रहेगा। काहे? क्योंकि हमको इसमें आनंद मिलता है ना। भगवान, हर बात पे इसको आनंद काहे मिलता है। अरे अरे अरे, अच्छी खास कहा लिखा है मुखिया है? तो हमारे बारे में? मुखिया जी अगर अपनी भलाई चाहते हैं तो अपने परिवार के साथ गांव छोड़कर जहां से आए हैं वहीं वापस चले जाइए, मतलब कि शहर। शहर है सिर्फ तुम्हारी डाकू स्वीटी। ये नाम तो कुछ सुना सुना सा लगता है। ये डाकू तो हमारी फैमिली की लगती है। स्वीटी, स्वीटी! यस डैडी, मैं आ गई। अच्छा डैडी, ये पतंग सही जगह पर गिरी है ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही जगह पर गिरी है। और इस पर यह भी लिखा है कि अगर हम गांव छोड़ के वापस अपने शहर नहीं लौटे तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तो पैकिंग शुरू कर दे पापा। नहीं, क्योंकि उस स्वीटी डाकू को ये शायद पता नहीं है कि उसकी जैसी 5 डाकुओं के बाप है हम, और बाप आखिर बाप होता है। एक बात जो हम पहले कई बार बोल चुके हैं वो फिर दोहराते हैं कि हम ये गांव छोड़कर शहर नहीं जाने वाले। लेकिन डैडी, चुप!
अब अगर एक शब्द भी और बोला ना तो सामान पैक करने के बजाय तुम दोनों को पैक करके हम गोडाउन में डाल देंगे, समझी? मुखिया जी, तुम लोग फिर बोले? हम नहीं बोले, बाहर से कोई बोला। हाँ, मुखिया जी, आ रहे आ रहे। अरे मुखिया जी घर पे हैं क्या? आ रहे हैं। स्वीटी दीदी, हाँ, छोटा मुंह बड़ी बात, एक बात तो बताइए, पतंग पे धमकी लिखने के बाद क्या जरूरत थी अपना नाम लिखने की? अरे छोटी, तू नहीं जानती, बड़े बड़े लेखक लेखिकाओं ने जब भी कुछ लिखा है ना, उसके नीचे अपना नाम जरूर लिखा है, इसलिए मैंने भी लिख दिया। अब तू देखना, एक दिन इसी तरह स्वीटी का नाम भी इतिहास के पन्नों पर अमर हो जाएगा। पतंग में धमकी। मुखिया जी, हाँ तो हे चमेली है। हाँ मुखिया जी, हम ये कह रहे थे मकर संक्रांति का त्योहार है और इस अवसर पे कुछ खास होना चाहिए, और वो जो है ना आपको तय करना है कि वो खास क्या होना चाहिए। हाँ तो ऐसा करते हैं कि दही चूड़ा तिलकुट और खिचड़ी हमारी तरफ से सब गांव वालों को। अरे मुखिया जी, अरे ये तो हर गांव में होता है, पर हमारे गांव में कुछ नया होना चाहिए। क्या कहते हो चमेली? देखिए चमेली भी यही चाहती है। हर बात पे चमेली कुछ ना कुछ चाहती क्यों है? क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं चमेली। ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग अपने गांव में कंपटीशन रख लें काइट फ्लाइंग का। एयरलाइन नहीं, काइट फ्लाइंग मतलब पतंग उड़ाने का। पतंगबाजी। वाह 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 वाह, तो पतंग कटेगी कट से और हम लूटेंगे झट से। धनी चाचा, कभी कभी लूटने के अलावा भी कुछ सोच लिया करो है। आपका हंसेगा नहीं कोई। अच्छा एक बात और कर सकते हैं हम अपनी तरफ से कि जिसकी पतंग सबसे अंत तक टिकी रहेगी और कटेगी नहीं, उस इंसान को हम अपनी तरफ से इनाम के तौर पे उसकी एक इच्छा पूरी कर देंगे। क्या बोलते हैं? हमारी तो बस एक ही इच्छा है कि कल गांव वालों के सामने हम तुम्हें बदनाम कर दें जन से और खुद मुखिया बन जाए टन से। अगर हम जीते तो काजल का हाथ मांग लेंगे आपसे। अगर हम जीते तो राधिका हमारी हो जाएगी, अगर हम जीत गए तो मुखिया जी से बोल के मीनाक्षी के साथ अपनी शहनाई बजवा लेंगे। जीतेंगे तो हम ही, उसके बाद मुखिया जी से इनाम में हम स्वीटी को ही मांग लेंगे तोपा। क्या तुम लोगों ने कुछ कहा क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, नहीं वैसा कोई परेशानी है तो हमको बताओ। नहीं 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 मुखिया जी, हम तो ये सोच रहे थे आप जैसा टोपा मुखिया जब तक इस गांव में है ना, तब तक इस गांव का कोई भी आवारा कवारा नहीं रह सकता है। ये इसका क्या मतलब है हम कुछ समझे नहीं। अब बस आप इतना समझ जाइए कि मुखिया जी की जय। अरे 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 मुखिया जी की जय। ये जब सुनते हैं ना हम तो हमको बहुत अच्छा लगता है। कंटिन्यू कंटिन्यू। अरे मुखिया जी की जय। 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 चलो अच्छा है, गांव खुश तो हम खुश। वाह क्या मुखिया है ना।